नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम लोग खास रूप से देखेंगे आधुनिक भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर और कह सकते हैं बहुत ही बेसिक, क्योंकि यहां से इसलिए प्रश्न आते हैं क्योंकि यहां से नवीन राज्यों का उदय और बंगाल पर किस तरह से अंग्रेजों का विजय हुआ है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। एक बेसिक चैप्टर इसलिए है क्योंकि यहीं से मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है और बंगाल ऐसे बहुत ही प्रभावशाली प्रदेश पर नए नए राजवंशों का शासन होता है। वहां पे बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली यहां पे नवाब देखे जाते हैं जो बंगाल पर अधिकार करते हैं और उसके बाद इन नवाबों को हरा करके किस तरह से अंग्रेज अपने सत्ता को मजबूत करती है बंगाल पे आके, तो उससे संबंधित बातें को हम इस वीडियो में देखेंगे। और आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, काफ़ी सीरीज में 5-6 वीडियो भी लोड हो चुके हैं, तो उसको जाके देखिए ताकि और भी अच्छा समझ आप लोग को बन पाएगा। और पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, तो 1707 वो समय था जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो सत्ता आया औरंगजेब का, उसको हम लोग उत्तर मुगल काल, और हम लोग बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में पढ़े थे उत्तर मुगल काल से संबंधित सभी शासक और उससे संबंधित सभी बातों को हमने पढ़ा था। तो उसी से संबंधित यहाँ पे बात भी होगा जो होगा 1707 के बाद जो स्थिति बनी थी बंगाल में, किस तरह से मुगल सत्ता कमजोर होती गई, प्रत्येक शासक में शक्तियां कमती गई और अलग से एक पृथक बंगाल का स्थापना होने लगा था उस समय, उसी को हम समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसको और आपको बता देते हैं कि वो बंगाल जो हम क्षेत्र बोलते हैं उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र संबंधित हैं, जैसे कि आज का जो बंगाल आप देख रहे हैं सिर्फ वही नहीं था, उसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश जैसे कई राज्य शामिल थे और काफ़ी बड़ा प्रदेश था, जिसको आप लोग को हम मैप के माध्यम से समझा देते हैं ताकि सब दिन के लिए आप लोग को याद रह जाएगा। और यहाँ से देखिएगा और अपने सामने आप किसी बुक को भी ओपन कर लीजिएगा ताकि बुक से पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमें नहीं लगता कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम आएगी समझने में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो हम लोग आज का जो बंगाल देखते हैं वो सिर्फ ये पश्चिम बंगाल देखते हैं आप लोग, लेकिन उस समय का बंगाल 1707 के बाद, मतलब कि मुगल शासक जब सत्ता पे बैठे हुए थे उस समय का जो बंगाल आपको हम बताते हैं कि यहाँ उस समय बिहार भी बंगाल में ही था, झारखंड भी, और ये उड़ीसा, ये पूरा आप देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र जो था कह सकते हैं बंगाल का था। ये पूरा भारत पर किसका शासन था, तो केंद्र में बैठे हुए थे मुगल शासक, दिल्ली से शासन हो रहा था मुगलों का और वहीं से ये बंगाल पर अधिकार किसका था, तो मुगल का अधिकार था। लेकिन जब मुगल सत्ता कमजोर होती गई 1707, हम आपको बताए हैं बार बार उत्तर मुगल काल की स्थिति में ऐसा देखा गया कि बहुत से ऐसे क्षेत्र, जैसे ये तो बंगाल का क्षेत्र हो गया, मराठा भी अलग होने लगे, उसके बाद राजपूत भी अलग होने लगे, सिख भी अलग होने लगे, तो ऐसे कई क्षेत्र थे जो अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगे थे। कब? जब सत्ता कमजोर होने लगी थी मुगलों की, जब दिल्ली से इस पर शासन करना मुश्किल हो रहा था तब। तो इतना बड़ा क्षेत्र बंगाल का था, तो आप लोग समझ गए इससे कि ये आज का जो बंगाल है ऐसा नहीं था, पहले बहुत बड़ा क्षेत्र होता था बंगाल का। और ये बंगाल इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से देख लें, यहाँ पे बिक्री के दृष्टि से, यहाँ पे जितने भी मतलब यूरोपीय कंपनियाँ भारत आई थी ना, जितने फ्रेंच लोग आए थे, यूरोप पुर्तगालियों लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, डच लोग आए थे, उन सभी ने अपनी कंपनी, अपने कार्यालय क्षेत्र बंगाल में जरूर स्थापित किए थे। और आपको बताए हुए थे कि अंग्रेज ने फोर्ट विलियम जो कि वहाँ का प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित किया था, तो बहुत ही एक वहाँ पे धनाट प्रदेश, बहुत ही विकसित और बहुत ही अच्छा प्रदेश उसको माना जाता था बंगाल का, इसलिए सबका नज़र बंगाल पे जरूर रहता था, खास करके अंग्रेज का, कि वहाँ से एक तो नदी किनारे भी सटा हुआ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ, वहाँ पे कपास का उपज था, सूती वस्त्र का वहाँ से बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे वसूली भी किया जाता था बंगाल पे। तो उसी समय ही समझेंगे कि बंगाल को जीतने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या संयंत्र रचे, क्या क्या चाल चले, मुगल शासक के द्वारा किन तरह की चाल चले गई उनको रोकने के लिए और बंगाल पे स्थापित करने के लिए। तो उसी समय जब मुगल सत्ता कमजोर हो रही, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग है और हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटरेस्टिंग तब है जब आप स्टोरी को समझते हैं। अगर आप रटने लगेंगे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपको समझा देंगे कि किस तरह से प्लासी का युद्ध हुआ और किस तरह से बक्सर का युद्ध का शुरुआत हुआ था, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, पूरा कहानी याद हो जाएगा। तो वही कहानी है यहाँ पर, आप लोग को नोट्स के तौर पर हम तैयार कर दिए हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आप लोग को फायदा हो और आसानी से आप लोग देखें।
तो ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं हम लोग कि जब मुगल सत्ता कमजोर हो गई, 1707 के बाद हम कर रहे हैं, 1707 के बाद किसका शासन था? बहादुर शाह का, जहांदार शाह का, फर्रुख सियर का। तो वहीं पे हम लोग देखते हैं कि जब मुगल सत्ता कमजोर होने लगी तो बंगाल के कई नवाब देखे जाएंगे, बंगाल के कई सूबेदार देखे जाएंगे, बंगाल पर एक अलग सा प्रभुत्व स्थापित करने की सभी कोशिश करेंगे। उसी होड़ में देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं वहां तक। तो मुर्शिद कुली खां का सबसे पहला नाम आएगा आपके पास, मुर्शिद कुली खां, जो कि बंगाल का पहला सूबेदार नियुक्त किया गया था मुगलों के द्वारा। एकाएक बंगाल अलग नहीं हो जाता, कोई भी काम इतिहास में धीरे धीरे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा कि अभी जो मुर्शिद कुली खां आए हैं ये मुगलों के कहने पर आए हैं, लेकिन एक अलग बंगाल, एक पृथक बंगाल का संभावना उत्पन्न हो रहा है यहीं से, कि अगर अलग बंगाल किसी और के हाथ में दे दिए हैं और यहीं से सत्ता परिवर्तन शुरू होना हो जाता है शुरू, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां का जब नाम आता है तो बोला गया कि बंगाल के पहले नवाब कौन हुए, मुर्शिद कुली खां, जो कि सूबेदार के रूप में नियुक्त किए गए थे मुगलों द्वारा। और इनसे संबंधित बातें यही है कि 1713 से लेकर 1727 ईस्वी तक इनका वहां पे कार्यकाल रहा, उसके बाद 1727 में इसकी मृत्यु हो गई, 1713 से 1727। और यहाँ पे देखेंगे कि मुगलों के द्वारा तो नियुक्त कर दिया गया सूबेदार बंगाल का, लेकिन इन्हीं मुगल के द्वारा 1717 में, आपको बताए हैं हम, आपको याद भी होगा कि 1717 में फर्रुख सियर जो कि मुगल सम्राट थे उनके द्वारा एक बहुत बड़ा सुनहरा फरमान दिया गया था, किसको? अंग्रेजों को, कि जाइए आप व्यापार करिए, फ्री व्यापार पूरे बंगाल पर आप कर सकते हैं। एक तरफ तो आप सूबेदार नियुक्त कर रहे हैं मुर्शिद कुली खां को, और एक तरफ आप अंग्रेजों को भी नियुक्त कर दिए वहां पर कि जाइए आप फ्री में व्यापार करिए कुछ पैसे लेकर। तो ये द्वंद्व की स्थिति, ये कूटनीति की स्थिति स्टार्ट होनी शुरू तो हो गई थी बंगाल में, लेकिन खुल के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि पहले शासक थे आराम से, वहाँ पे अंग्रेज भी शासन कर रहे थे, फ्रेंच लोग भी शासन कर रहे थे, मतलब कि अपना काम कर रहे थे वहाँ पे व्यापार की दृष्टि से, और यहाँ पे शासन था मुर्शिद कुली खां का, राजस्व वसूलने का। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो 1713 से 1727 के बीच हम क्या देखें, 1717 में फर्रुख सियर द्वारा सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दिया गया। तो यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ फर्स्ट पॉइंट इसका कि मुगलों के द्वारा बनाया गया पहला सूबेदार, पहला सूबेदार अगर पूछ दे आपको कि अलग बंगाल के लिए पहला सूबेदार या पहला नवाब कौन बनाया गया था, तो मुर्शिद कुली खां को बनाया गया था, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इनके संबंधित और एक बातें हैं कि ये क्या करते थे, कि चूंकि ये मुगल के दरबार से संबंधित थे और उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो ये क्या करते थे कि कुछ नजराना के तौर पर, मतलब नजराना कहने का अर्थ कि मतलब पैसा, कुछ रुपया उनको टैक्स के तौर पे भेजते रहते थे, उनको हमेशा भेजते रहते थे, मुगल संबंधित रहते थे और उनको अपना राजा मानते भी थे कि आपके अंडर में रह के हम काम कर रहे हैं, मुर्शिद कुली खां। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसने एक बड़ा काम क्या किया था कि अपनी राजधानी को, बंगाल की राजधानी पहले ढाका हुआ करती थी, ठीक है, बांग्लादेश की ढाका, वहाँ राजधानी हुआ करती थी, लेकिन ढाका से परिवर्तित करके इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद लेके आ गया था, ठीक है, कहाँ? मुर्शिदाबाद। तो आसान है याद करना, मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी को ढाका से परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद लेके आया था, क्लियर। चलिए ये तो क्लियर हो गया, मुर्शिद कुली खां। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक वंश चलेगा, इसका भी एक वंश चलने लगा कि इसके बेटे, इसके दिमाग, इसके बेटी लोग शासन करने लगे, और आगे चल के हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उसके बाद जो नाम आता है छोटा सा, सुजाउद्दीन का नाम आता है, सुजाउद्दीन जो कौन था, इसका दामाद था, मुर्शिद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, मतलब बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया, जो 1727 से लेकर 1739 तक शासन किया। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये शासन तो बंगाल पे कर रहा है, लेकिन और भी कितने लोग बंगाल में अभी उपस्थित हैं, फ्रेंच भी हैं, डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं, सब शासन कर रहे हैं, कूटनीति का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन पता नहीं चल रहा, पता आगे चलेगा। यहाँ पे देखें 1739 में इसका दामाद था, मुर्शिद कुली खां का दामाद था सुजाउद्दीन, जिसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, ठीक है। चलिए अब इसने क्या किया, ये उत्तराधिकारी नियुक्त होने के साथ कुछ काम करते रहे, वैसे ही व्यापार की स्थिति चलती रही, टैक्स वसूलते रहे, मुगल दरबार में पहुंचाते रहे, लेकिन उसके बीच इसने क्या किया कि एक अलीवर्दी खां, जो कि काफी महत्वपूर्ण नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया, बिहार का सूबेदार इसने बनाया, जो कि बंगाल का सूबेदार खुद है, बंगाल का नवाब खुद है, और ये बिहार का सूबेदार बना रहा है, मतलब कि ये पूरे बंगाल पे किसका शासन था उस समय, तो सुजाउद्दीन का, लेकिन ये छोटा सा क्षेत्र जो बिहार का देख रहे हैं, बिहार झारखंड भी उस समय उसी का था, बिहार झारखंड उस समय एक था, तो ये बिहार झारखंड का क्षेत्र किसको दे दिया उसने, अलीवर्दी खां को दे दिया। दोनों नाम में कन्फ्यूज मत करिएगा, ये मुर्शिद कुली खां है, ये अलीवर्दी खां है, तो ये महत्वपूर्ण नाम है। तो यहाँ पे देखें कि बिहार का जो सूबेदार बनाया गया अलीवर्दी खां को बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब इसको सूबेदार बना दिया, उसके बाद इसकी मृत्यु 1739 में हो गई, उससे कुछ संबंधित बातें नहीं है। तो 1739 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आता है नाम सरफराज का,
ये सरफराज क्या करते हैं, तो सरफराज हैं कौन, इसका शासनकाल 1739 से लेकर 1740 से देखा जाता है। ये सरफराज कौन है, सुजाउद्दीन का बेटा है, क्योंकि यहाँ शासन में देखते हैं आप लोग कि राजवंश चल रहे हैं, तो सुजाउद्दीन का बेटा था सरफराज खान। तो जब ये गद्दी पर आता है तो खलने किसको लगता है, जब वो शासन में बनाया था बिहार का सूबेदार किसको बनाया, तो अलीवर्दी खां को बनाया। इसको खलने लगता है कि नहीं, अब इसको हटा के हम बनेंगे, वहां का पूरे बंगाल पर मेरा अधिकार होगा, क्योंकि उसका बेटा है, उतना ज़्यादा इसका प्रभाव भी नहीं था सरफराज खां का। तो इसको क्या हुआ कि गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया, मतलब गिरिया एक जगह है बंगाल में ही। तो उसमें क्या हुआ कि 1740 में, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था, किसके किसके बीच, तो सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच, ठीक है, जिसमें अलीवर्दी खां ने क्या किया था, सरफराज को जो है पराजित करके उसकी मृत्यु कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी, और हत्या करके क्या किया, पूरे बंगाल पे अधिकार कर लिया। तो देख रहे हैं सत्ता कैसे परिवर्तन हो रहा है, सत्ता के लोभ में आदमी अपने को भी नहीं पहचानेंगे, उसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। बेटा था, उत्तराधिकारी हुआ, गिरिया के युद्ध 1740 में पराजित कर दिया, और अलीवर्दी खां द्वारा सरफराज की हत्या कर दी गई। और अगला जो शासन देखेंगे हम लोग बंगाल पे, खास रूप से हम लोग बंगाल पे देख रहे हैं, ये बंगाल जो उस समय का बहुत ही धनी, बहुत ही प्रभावशाली एरिया था, वहाँ पे सबका आँख टिका हुआ था। तो ये बंगाल पे क्या हुआ कि अलीवर्दी खां का शासन हो गया, वहाँ पे इसका प्रभाव हो गया। तो अगले नवाब कौन देखेगा वहाँ के, तो अलीवर्दी खां, जिसका शासन काल 1740 लेकर 1756 में था, और ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट रखें, इससे संबंधित बातें भी इम्पोर्टेंट है। और इसी अलीवर्दी खां के नेतृत्व में कहा जाता है कि बंगाल इतना समृद्ध, इतना मतलब शक्तिशाली हो चुका था कि बंगाल को उस समय भारत का स्वर्ण कहा जाता था, भारत का सोना कहा जाता था बंगाल को, सोच लीजिए इतना ज़्यादा प्रभावशाली बंगाल उस समय हो चुका था अलीवर्दी खां के नेतृत्व में। और एक अलग पृथक बंगाल की स्थापना भी हो चुकी थी, क्यों आप समझ रहे हैं, ये अलीवर्दी खां खुद नहीं आया है, ये अलीवर्दी खां मुगलों के द्वारा नहीं भेजा गया, मुगलों के द्वारा जो भेजा गया था वो सरफराज खां तक ही थे, उसके बाद अलीवर्दी खां तो वो बिहार का था, उसको इसको मार के जबरदस्ती सत्ता हासिल किया। और इसके पास अभी चुनौती है कि ये अपने आप को सिद्ध करे कि क्यों ऐसा काम किया है, और अपने इस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी कि ऐसा इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो इसने क्या चालाकी किया, यहाँ देखिएगा कि अलीवर्दी खां से क्या समझे आप लोग, इसके समय बंगाल बहुत ही ज़्यादा धनी प्रदेश हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध, वहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे थे, वहाँ पर लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा था उस समय बंगाल पर, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखें कि मुगलों को 2 करोड़ रुपये दे दिए सबसे पहले में ही, इसने क्या किया कि जैसे ही वहाँ पे अलीवर्दी इसका हत्या किया सरफराज का, तो वहाँ पे मुगलों को एक चुनौतियाँ थी देनी थी कि वो क्या आप किए हैं, तो ये क्या किया कि 2 करोड़ रुपए नजराना सबसे पहले भेज दिया मुगलों के पास कि लीजिए हम जो गलती किए, या हम आप बंगाल पे अधिकार करें तो शुरू में आप टैक्स रख लीजिए इतना मेरे तरफ से, और फिर मुगल भी खुश हो गए, चलो भाई 2 करोड़ रुपये बहुत बड़ा रकम होता है, और लेके वो खुश हो गए, चले भाई तुम शासन करो, अलीवर्दी खां को मिल गया। तो 1740 से लेकर 1756 तक जब शासनकाल रहा, तो उसने क्या किया कि 2 करोड़ रुपए शुरू में भेज करके पद को अस्थाई बना लिया अपना, कि अब मेरे अब यहाँ पे बंगाल पे किसी और को मत भेजिएगा, हम ही रहेंगे। और फिर उसके बाद इसने क्या तेजी दिखाया कि एक बार तो 2 करोड़ रुपया उसने भेज दिया, लेकिन फिर अपने 16 वर्ष के कार्यकाल के दौरान एक भी रुपया मुगलों को नहीं दिया, ये चालाकी उसने दिखाया और काफी अच्छा था। उसके बाद हम लोग देखें कि यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की, इसने क्या किया, इसके काल में क्या हो रहा था कि ये देख रहा था कि बंगाल इतना समृद्धशाली ऐसे ही नहीं बन गया था, वहां पे फ्रेंच लोग, अंग्रेज लोग, डच लोग सब आके अपनी कंपनी स्थापित कर रहे हैं, वहां पे व्यापार हो रहा है, सब चीज हो रहा है, एक पूरा मार्केटिंग का स्थिति बना हुआ, कंपटीशन का स्थिति बना हुआ है, तो ये सब चीज को देख रहा था और समझ रहा था। इसी बीच ये इसने एक वक्तव्य दिया जो पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, इसने पूरे यूरोपीय कंपनी को कहा कि एक मधुमक्खी का छत्ता है, और जब तक हम इसे तंग नहीं करेंगे तब तक तो हमें इससे शहद मिलते रहेगा, अगर हम इसको तंग कर देंगे तो ये काट काट के हमको मार डालेगा, ठीक है। किसको वक्तव्य किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ अलीवर्दी खां के द्वारा दिया गया, किसको दिया गया था, यूरोपीय कंपनियों को, टोटल कंपनियों के बारे में बोला गया, ठीक क्लियर। तो मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किया था कौन, अलीवर्दी खां, ध्यान रखेगा इसको, अच्छा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, इसकी सिर्फ 3 पुत्री थी, यहाँ पे मिस्टेक यहाँ से इससे ये हुआ कि इसकी मात्र 3 पुत्री थी, यहीं पे देखा जाता है कि इसका सत्य परिवर्तन में यहाँ से क्लेश उत्पन्न होते रहा, जिसको बताते हैं आपको हम। 3 पुत्री होने के कारण जब इसकी मृत्यु 1756 में हो गई, तो इसके बाद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि इसके बाद शासक कौन बनेगा बंगाल का, बंगाल का नवाब किसको नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से
देखा जाएगा कि इसकी तीन जो पुत्री थी उनका शादी जो है पटना में हुआ था, ढाका में हुआ था और एक का पूर्णिया में हुआ था, तो तीनों पुत्री के बेटे भी थे। तो देखा गया आगे कि अगला जो शासक बना सिराजुद्दौला बना, तो ये था कौन, तो वो तीनों पुत्री में जो सबसे छोटा पुत्र था, मतलब सबसे छोटी बेटी का जो पुत्र था, सबसे छोटी जिसका शादी पटना में हुआ था, तो उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला को शासक बना दिया गया, वहां का बंगाल नियुक्त किया गया, जिसका शासनकाल 1756 से 1757 में देखेंगे। और इसी के शासनकाल में जो है बहुत सारे ऐसे कारनामे देखे जाएंगे जिसके कारण जो सत्ता पलट भी हो जाएगा, ठीक है। तो सिराजुद्दौला काफी साहसी शासक था और बढ़िया शासन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इनके द्वारा और भी जो इनके परिवार में लोग थे, इनके सहयोगी थे, जैसे कि इनकी मौसी और दो मौसी इनकी थी जो ढाका की थी और मुंगेर की थी, तो वो ये पूर्णिया की थी, तो उनके द्वारा क्या किया गया, इनका सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। और उनके द्वारा ये भी किया जा रहा था कि हम बनेंगे शासक, मेरा बेटा शासक बनेगा, तुम नहीं बनेगा, तो इनके अपने ही इसका साथ छोड़ रहे थे। और इसके बीच इसके सेनापति ने भी इसका धोखा दिया था प्लासी के युद्ध में, आपको हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पे क्या देखें कि आंतरिक कलह, आंतरिक क्रेज के बारे में इनको देखा, इनका सामना करना पड़ गया इसको अपने शासनकाल में। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे छोटी लड़की का बेटा उत्तराधिकारी बना जिसका नाम सिराजुद्दौला था। उसके के बाद हम लोग देखें कि इसके द्वारा जून क्या किया गया, देखिएगा यहां पे कि एक तो अपने इसको सपोर्ट करने रहे थे और ऊपर से इसके समय में क्या हुआ कि अंग्रेज और फ्रेंच आके पूरा किलाबंदी करने लगे अपने एरिया में। अंग्रेज का क्या था, वहां फोर्ट विलियम था जिसको प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित भी किया था, कहां, बंगाल में कोलकाता में, आपको बताए थे हम। तो कोलकाता में सब पहुंचे और वहां पे अपना किलाबंदी करने लगे अपने जगह, अपने कार्यालय का, अपने जगह का, वहां पे जो खास खास जगह था। तो इनके द्वारा बोला गया सिराजुद्दौला के बारे में, इनके द्वारा बोला गया कि तुम लोग अपनी किलाबंदी को रोक दो। किसको बोला गया, अंग्रेज को भी बोला गया और फ्रेंच को भी बोला गया, लेकिन इसमें से फ्रेंच लोग ने अपनी बात मान ली कि ठीक है चलिए हम लोग किलाबंदी को रोक लेते हैं, क्योंकि शासन इनका है, सिराजुद्दौला वहां के नवाब है तो इनका सुनना पड़ेगा आपको, तो वो रोक दिया। लेकिन अंग्रेज लोग नहीं माने, बोले कि नहीं हम किलाबंदी करेंगे और देख लेंगे जो होगा, ठीक है। इनको आ गया गुस्सा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम यहाँ का नवाब है और हम बोल रहे हैं तुम लोग सुन नहीं रहे हो। तो फिर क्या किया गया, इसके द्वारा सिराजुद्दौला के द्वारा जून 1756 में कासिम बाजार जो कि कोलकाता में ही है उसको लूट लिया गया, जिस पर नियंत्रण किसका था, अंग्रेज का था, उसको लूट लिया गया, मतलब उसको कब्जा कर लिया गया। फिर अगले 20, मतलब ये तो हुआ जून में, फिर 20 जून को क्या देखा गया कि अंग्रेजों के फोर्ट विलियम जो कि काफी महत्वपूर्ण एरिया जिसको प्रेसिडेंसी के रूप में अंग्रेज विकसित भी किए थे, तो फोर्ट विलियम पर भी कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, सिराजुद्दौला के द्वारा। अब अंग्रेज घबरा गए कि अब हम क्या करेंगे, इतना बड़ा काम ये कर दिए हैं सिराजुद्दौला, अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे जब कब्जा कर लिया गया उसके बाद भी ऐसे कई एक काम किए गए जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को, और ये काम शायद ही कोई किया होगा पूरे इतिहास में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, क्यों किया गया, क्योंकि अंग्रेज का यहाँ पे गलती था, उनको मानना चाहिए था, जब ये बोल दिए कि किलाबंदी नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन वो कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो सिराजुद्दौला के द्वारा की गई थी और गुस्से में की गई थी, वहां पे होगा ब्लैक होल की घटना, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में। तो वीवीआई करके ब्लैक होल की घटना को हम ब्लैक होल की त्रासदी के नाम से भी जानते हैं, इसको हम काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम लोग देखें कि 20 जून 1756 को यह घटना हुई थी, 20 जून 1756 में 20 जून को क्या हुआ, फोर्ट विलियम पर कब्जा भी किए। उसके बाद 20 जून को क्या किए कि फोर्ट विलियम के पास जितने अंग्रेज थे, मतलब जितने भी अंग्रेज थे, उनमें से 146 अंग्रेज को ये पकड़ के लाए और अपने किला में एक छोटा सा कोठरी था जो कि 14x10 का था, 14x10 के कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद करने का प्रयास कर रहे थे। ये मतलब कि दरवाजा खोले और उसको पूरा अंदर कर रहे थे 146, और इतने छोटे से कमरे में मतलब कि 20-25 भी नहीं रह पाते, लेकिन ये 146 को अंदर कर रहे थे, ठीक है, और अंदर कर रहे थे और कोई व्यवस्था नहीं, वहाँ पे काला था एकदम, कोई वहाँ पे हवादार भी नहीं, सब चीज़ पैक, और बंद कर रहे थे, बंद करते जो दरवाजा से नहीं हटे तो ऊपर एक छेद था छत पे, उसके द्वारा जाके वहाँ पर से उनको अंदर किया गया, उनको पूरा दबाव दिया गया और 146 अंग्रेज को किसी तरह से उस कमरे में डाल दिया गया और बंद कर दिया गया। सोचिए इस तरह का काम जब इनके द्वारा किया गया तो कितना डर जाएंगे अंग्रेज। जब 146 अंग्रेज को बंद किया गया तो वहां पे जब उनको सुबह में 146 अंग्रेज, ध्यान रखिएगा 146, तो सुबह में जब उसको खोला गया, उस कमरे को खोला गया, तो पाया गया कि मात्र 23 अंग्रेज, 23, ठीक है,
23 अंग्रेज ही मात्र जिंदा बचे थे, जिसमें एक व्यक्ति इतिहासकार हॉलवेल जिंदा बच गया था। किसी तरह से हॉलवेल जिंदा बच गया था। और यहाँ पे देखेंगे कि सुबह में 23 जिंदा बचे, तो इसको याद कैसे रखिएगा, 146 पूरा था, तो 46 का आधा 23 होता है, तो 23 मात्र जिंदा बचे थे जो भागते हुए दक्षिण गए, भारत के दक्षिण में गए। वहीं पे सब क्लाइव सब थे, वहीं पे उच्च अधिकारी जो अंग्रेजों के थे वहाँ पे गए सब, कि देखिए एक ऐसा यहाँ पे शासक है जो इस तरह से मारता है कि मतलब वो तड़पा के मारता है, दम घोट के मार देता है। क्या हुआ पूछे कलाई लोग, क्या हुआ? तो वो हमको एक कमरे में बंद कर दिए, वहाँ पे 146 को घुसा दिए एक कमरे में, सांस लेना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से हम लोग बच के भागे हैं वहाँ से। बहुत खतरनाक शासक है, ठीक है। तो उन लोग को भी लगा कि बाप रे इतना खतरनाक शासक है, तो क्या करें हम, क्या कैसे इसे हम छुटकारा पाएं। तो यही यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो कहानी थी इसको कई इतिहासकार ने झूठ भी बताया है कि ये हॉलवेल के द्वारा मनगढ़ंत गढ़ी हुई कहानी थी, लेकिन कुछ इतिहासकार ने बोला है कि नहीं ऐसा किए थे। तो ऐसा अगर किए होंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो ये कहानी मेन रूप से हॉलवेल के द्वारा रची गई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक होल की घटना को किसने प्रचारित किया था, किसने उसको पूरा फैलाया था, तो हॉलवेल के द्वारा। तो ब्लैक होल हॉलवेल क्लियर बताया गया था, एक कहानी समझ गया आप। इसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज में तो गुस्सा आ गया अंग्रेजों को कि इस तरह से मेरा बेइज्जती कर रहा है और इस तरह से भगाने का प्रयास कर रहा है, हम आए थे भारत में व्यापार करने के लिए और मेरे व्यापार में भी ये क्षति पहुंचा रहा है और हमें किसी तरह से छूट भी नहीं देने दे रहा है ये, क्योंकि उसको तो छूट मिल चुका था व्यापार बंगाल में व्यापार करने का, उसको तो 1717 में छूट मिल चुका था ना मुगल के द्वारा, लेकिन ये उनको दिक्कत कर रहे थे। तो उनको भी लगा था कि नहीं इनसे लड़ना पड़ेगा। उसी के बाद क्या होता है कि अब अंग्रेज को भी उतनी शक्ति नहीं थी कि इनसे लड़ पाते, क्योंकि इनके पास पहले इससे पहले लड़ाई हुआ नहीं था तो किसी को पता नहीं था और ये एक साहसी थे, बिल्कुल सिराजुद्दौला साहसी थे। तो वहीं पे देखा गया कि अंग्रेज के द्वारा कुछ संधि की गया, कुछ संधि क्या होता है मतलब कुछ समझौता किया गया कि चलो भाई अब हम मान लेते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है, ये संधि हुई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसके बाद जब ये कहानी हो गई, ब्लैक होल की घटना हो गई, 20 जून 1756 को जब ये घटना घटित हो गई, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 9 फरवरी 1757 देखिए जून में ये घटना हो रहा है और 9 फरवरी को कितना डिफरेंस है, करीब 6 महीना का 8 महीना का। तो वहां पे देखेंगे हम लोग कि 8 महीना के बाद जो है इनको समझ में आया कि चलो अब संधि करते हैं। उस समय तक सब क्लियर हो चुका था, इनका अधिकार हो चुका था फोर्ट विलियम पर, किसका, सिराजुद्दौला का, ये आराम से अपना वहाँ पे व्यापार कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे और उस समय तक शांत रहे। उसके बाद फिर संधि एक हुई जो कि अली नगर के संधि के रूप में जानी जाती है। अली नगर क्या है, तो एक कोलकाता का ही पुराना नाम है अली नगर, तो वहीं पर संधि हुई थी इसलिए अली नगर की संधि। और संधि में कहा गया, कुछ समझौता हुआ और समझौता में क्या हुआ मेन बात, कि संधि किसके बीच हुई थी, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। क्लाइव कौन, तो उच्च अधिकारी जो अंग्रेज के द्वारा नियुक्त किए गए थे दक्षिण में, तो क्लाइव जो कि आगे चल के देखेंगे आप गवर्नर भी बनते हैं भारत के कंपनी के गवर्नर, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच ये संधि हुई थी। उस संधि में कहा गया था कि कंपनी को विशेषाधिकार प्राप्त हो गए, मतलब कि सिराजुद्दौला द्वारा परमिशन दे दिया गया कि ठीक है जाओ तुम्हारा जो अधिकार था वो करो, हम अब वहां से अपना शासन प्रशासन हटा लेते हैं, ठीक है तुम करो। फिर बोला गया कि अंग्रेज अपने दुर्ग की किलाबंदी कर सकते हैं, मतलब कि अंग्रेज जो किलाबंदी कर रहे थे ये रोका था, तो जाओ फिर से तुम कर सकता है किलाबंदी अपना फोर्ट विलियम कॉलेज का, जहां भी तुमको करना है किलाबंदी कर लो, कर लिए। लेकिन इनके द्वारा ये भी बोला गया सिराजुद्दौला के द्वारा कि अब जो होगा शांति से होगा, जो हम बोलेंगे वही होगा, किसी के द्वारा कहीं पर भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, किसी के भी एरिया पर कब्जा नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये सब संधि में कहा गया। लेकिन इसके जस्ट बाद क्या देखा जाता है, एक तो सिराजुद्दौला के अपने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसके अपने जो मौसी थे, मौसी का जो बेटा था, खुद आंतरिक क्लेश इसमें देखा जा रहा था कि अपने आप जब अपने ही सपोर्ट नहीं करेंगे फिर दूसरा क्या सपोर्ट करेगा। तो वहीं पे इनके द्वारा षड्यंत्र किया जाने लगा, किसके द्वारा, अंग्रेज के द्वारा षड्यंत्र किया जाने लगा कि अब चलो इसका अपने को हम मिला लेते हैं, जो इसके मतलब विरोध कर रहे हैं सिराजुद्दौला का, जो विरोध उसके अपने कर रहे हैं उसको हम अपने तरफ मिला लेते हैं। और उसी बीच एक घटना भी देखी गई कि बंगाल में कुछ एरिया पर जो कि फ्रांस का कब्जा था, वहां पे क्या करते हैं ये अंग्रेज लोग, जाकर के कब्जा कर लेते हैं उसको। फ्रांस का एरिया पर कब्जा कौन कर लिए, अंग्रेज कर लिए। अब इनको बुरा लग गया सिराजुद्दौला को कि फिर तुमको हम बोले थे कि अभी कब्जा कहीं नहीं करना है, तुम आराम से व्यापार करो, तुम क्यों किया, नहीं माने अंग्रेज। फिर इनको गुस्सा आया और यहां तो ये षड्यंत्र के द्वारा अपने को इसको मिला लिए हैं। जितने भी इनके मौसी वगैरह थे, घसीटी बेगम नाम था इनका मौसी का, तो वो सबको
अंग्रेज मिला लिया, जितने भी इसको विरोधी थे, इसके काल में भी बहुत सारे ऐसे जमींदार थे, बहुत सारे ऐसे अमीर व्यक्ति थे बंगाल के जो इनके इनके विरोध में थे सिराजुद्दौला के, उनको अंग्रेज मिला लिया, अपने तरफ कर लिया। अब तो शक्ति ज़्यादा हो गई अंग्रेज की, अब इनको लगा कि युद्ध करना चाहिए। तो इसी के बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जो है इनके द्वारा अब घुसा गए, यहाँ पे सिराजुद्दौला भी घुसा गए हैं और अंग्रेज भी घुसाए हुए हैं, तो इन दोनों के बीच एक युद्ध होगा जो प्लासी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या होगा तो उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में एक बहुत ही फेमस युद्ध बक्सर का युद्ध को पढ़ेंगे। देखिए युद्ध को पढ़ना और याद करना अगर रट के करेंगे तो नहीं होगा, ये कहानी अगर आप समझ रहे होंगे एक एक चीज को तो आपको युद्ध को तो याद भी नहीं करना पड़ेगा, आप तो पूरे कहानी को बोल के युद्ध बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो हिस्ट्री का स्टोरी है, कहानी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। समझ गए आप लोग, सब चीज समझ गए तो आप लोग याद हो गया, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, ये कहानी है। तो बस थोड़ा सा डेट याद रखना है कि 20 जून 1756 में ब्लैक होल हुआ था, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, लेकिन एक कहानी की ब्लैक होल था क्या ये चीज आपको जब दिमाग में आएगा, जैसे ही ब्लैक होल का नाम आएगा तो आपको एक हंसी आएगी कि उस समय क्या हुआ था, सिराजुद्दौला द्वारा क्या काम किया गया था 146 अंग्रेज के मतलब एक कमरे में बंद करके, अब मात्र 23 उसमें से जिंदा बच के निकले थे। तो ये सब बातें होगी, तो इसके बाद हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं। तो अगला चैप्टर जो अगला जो पार्ट आएगा, अगला नेक्स्ट पार्ट, उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसी में जो है मेन इंपॉर्टेंट बात होगा, उसमें क्वेश्चन बनेंगे प्लासी के युद्ध से, इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे आपको। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग को ये पूरे वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, कहीं पे दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, आप लोग एक ऐसी स्थिति को समझ चुके होंगे कि जब मुगलों का पतन हो रहा था उसके बाद बंगाल की स्थिति क्या होने लगी थी, किस तरह से जो है मुगल का अधिकार धीरे धीरे खत्म होते, देखिए किस तरह से मुगल के हाथ में से सब सत्ता छूट रही है, बंगाल छूट गया, और ये बंगाल छूटा और आया किसके हाथ में, नवाबों के हाथ में। अब नवाबों के हाथ से छूट के ये सत्ता अंग्रेज के हाथ में चल जाएगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और काफ़ी एंजॉय किए होंगे आप इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा हुआ। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए किसी भी किताब से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित किसी किताब में ऑब्जेक्टिव को उठाइए और देखिए उसमें बना के किस तरह की बातें हैं, और किताब को आप लोग जरूर पढ़िए, सिर्फ वीडियो मतलब देखने से नहीं होगा, आपको किताब को पढ़ना पड़ेगा। और अगर मेरा और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, ये प्लेलिस्ट का लिंक है पूरा, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री चला है, मॉडर्न हिस्ट्री बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आराम से इस क्लिक करके आप देख सकते हैं सबको। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इसको नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।